हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रश्न संख्या 6 का ख यानी कि प्रश्न संख्या 6 के ख में कवियों का साहित्यिक परिचय और कृतियों के बारे में पूछा जाएगा। ये आपको 80 शब्दों में लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स में एक कमी होती है कि जब वो जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय कुछ भी लिखने चलते हैं तो बहुत बड़ा करके लिख देते हैं, क्योंकि उनको इस बात का आभास नहीं हो पाता है कि हम इसमें से क्या कम करें, तो पूरा लिख देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये जो है बहुत ही संक्षेप में और सरल भाषा में आपको ये बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ही कम समय में याद भी हो जाएगा। हाँ, एक बात और है कि स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो घंटी है उस घंटी को दबा दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो हम डालें तो वो आप तक पहुंच जाए। चलते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। तो साहित्यिक परिचय में स्पष्ट लिखा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी की है ये साहित्यिक परिचय, और इस साहित्यिक परिचय में यह कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावादी युग के हैं, कवि हैं, और जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो काशी के सुगनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद जयशंकर प्रसाद जी को व्यवसाय और परिवार के समस्त कार्यों का बोझ पड़ गया। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। इनकी कामायनी रचना पर, कामायनी इनकी रचना का नाम है, तो इनकी कामायनी रचना पर मंगला प्रसाद, ये मंगला प्रसाद जो है पारितोषिक पुरस्कार है, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जयशंकर प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की। ये नागरी प्रचारणी के अध्यक्ष भी थे। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हुई। अब चलते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो कृतियाँ जो हैं इन्होंने नाटक के रूप में भी लिखा, उपन्यास के रूप में भी लिखा, और कहानी के तथा निबंध के रूप में भी। तो नाटक में इन्होंने चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त तथा अजातशत्रु लिखे। उपन्यास की श्रेणी में इन्होंने कंकाल, तितली तथा इरावती उपन्यास को लिखा। जब कहानी की बात आती है तो कहानी के अंतर्गत इन्होंने छाया, आकाशदीप, आंधी तथा प्रतिध्वनि ये कहानियाँ इन्होंने लिखी। निबंध में इन्होंने काव्य और कला को लिखा। और इस तरह से बहुत ही कम शब्दों में, संक्षेप में, जयशंकर प्रसाद जी का ये साहित्यिक परिचय और कृतियाँ हो गया। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपको ये 5 नंबर प्रश्न 100% मिल जाएगा।